तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए मैं इसको अगेन रन करता हूँ। आप देख सकते हैं, आप जैसे मैंने फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया, सेकंड नंबर 0 दिया, तो एक्सेप्शन आई, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, लेकिन आई अर्थमेटिक एक्सेप्शन और हमने कैच लगा रहा था तो नल पॉइंटर वाला, तो हो गई मिसमैचिंग, है ना, मिसमैचिंग हो गई, एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ। मतलब ये है कि एज ए डेवलपर बस आपको एक ही बात याद रखना है कि यार मैचिंग कैच ब्लॉक लगा दो, काम बन जाएगा। मतलब ट्राई के बाद कैच वही लगाना है जिस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है। और मैं बताऊं सबसे बढ़िया चीज, पिताजी को लगा दो ना, पिताजी को लगा दो, पिताजी जो है सारे टाइप की स्थिति परिस्थिति से झेल जाएंगे। मेरे हो आप भाई, चाहे अर्थमेटिक का ऑब्जेक्ट बने, चाहे नंबर फॉर्मेट का बने, चाहे कोई भी एक्सेप्शन आए, आया किसी भी टाइप का, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट होगा और पेरेंट के रेफरेंस में तो होल्ड करा जा सकता है ना, आप कास्टिंग तो करा जा सकता है ना। तो इसलिए एक्सेप्शन लिख देते हैं, और ई कोई जरूरी नहीं है, ई लिखो, ई लिखो, ए लिखो, बी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। तो मैं फिर से बताता हूं कहानी क्या होती है। जावा कहता है उस स्टेटमेंट में, उस लाइन में जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालिए। ट्राई ब्लॉक कंटेन दो सेट ऑफ स्टेटमेंट वेयर एक्सेप्शन में ऑकर्ड, ट्राई के जस्ट बाद ही कैच लिखना जरूरी है, बीच में कोई स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, केवल स्पेस जितना मर्जी उतना लगा लो, कोई स्टेटमेंट अलाउड नहीं है, बीच में की एसओपी लिख दें फिर कैच लगाएं, सिंटैक्स है ट्राई देन कैच, ट्राई के जस्ट बाद कैच, ये ट्राई लिखा तुरंत कैच होना चाहिए, बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं अलाउड है कि बीच में लाया एसओपी लगा दिया कोई ना। सो ट्राई के जस्ट बाद कैच लिखिए। कैच जब भी लगाइए तो आप चेक करके लगाइए, एकदम बिल्कुल दिमाग की बत्ती जला के लगाइए कि यार किस टाइप की एक्सेप्शन है, अच्छा अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक वाला लगाइए, नंबर फॉरवर्ड नंबर वाला लगाइए, जिस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है वही लगाइए। अगर आपको नहीं पता है पैरेंट वाला लगा लगाने लीजिए, पैरेंट वाला लगा दोगे तो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे नंबर फॉर्मेट हो, चाहे नल पॉइंटर हो, चाहे कुछ भी हो, इवन थ्रोएबल लगा दीजिए। और बताइए, थ्रोएबल तो उसका भी पैरेंट है, उसको भी हैंडल कर लेगा, थ्रोएबल टाइप का लगा दीजिए, एक्सेप्शन नहीं लगा रहे हैं तो। मैं तो जनरली एक्सेप्शन लगा देते हैं, थ्रोएबल तो एरर और एक्सेप्शन दोनों को की कैटेगरी हो गई ना, लेकिन हम यहाँ एक्सेप्शन ही को हैंडल करेंगे। तो अगर मैं ये पैरेंट वाला लगा दे रहा हूँ तो किसी का भी ऑब्जेक्ट बनेगा इंटरनली, वो इसके अंदर रिसीव हो जाएगा। तो जब हम ट्राई में लिखते हैं तो जैसे ही प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है, प्रोग्राम में एक्सेप्शन आते ही सीधे कर्सर चला जाता है आपके जेवीएम के पास। जेवीएम देखता है, अच्छा इस टाइप की एक्सेप्शन है, इस टाइप की एक्सेप्शन की क्या कोई क्लास है, अच्छा है, तो इसको क्या करो लोड, फिर इसको क्या करो ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट बना के उठा के फेंक दो प्रोग्राम में, और वो जो ऑब्जेक्ट बना के फेंकता है वो थ्रो कीवर्ड के थ्रू फेंकता है, थ्रो कीवर्ड इंटरनली यूज होता है, और वो ऑब्जेक्ट जब फेंकता है तो वो हमारे कैच के अंदर आ जाता है, अपने आप आ जाता है इस ई नाम के वेरिएबल में, है ना, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, इस ई वेरिएबल में जब वो ऑब्जेक्ट सक्सेसफुल्ली आ गया, है ना, तो यानी कि आपकी एक्सेप्शन हैंडल हो गई, कैच के अंदर वो आ गया, और कैच के अंदर आपने अगर 2000 लाइन लिखी है तो 2000 लाइन सक्सेसफुल्ली चलेगी, है ना, और उसके बाद रेस्ट ऑफ कोड मेंटेन हो जाए, यानी कि कर्सर ट्राई के जस्ट बाद कैच में आता है और कैच के अंदर के सारे स्टेटमेंट चलते हैं, और फिर उसके आपने कहा फिर अगर मैं कैच के अंदर एक्सेप्शन ला दूं तो फिर आपने कहा कि एक ट्राई में एक्सेप्शन आई, कैच में हैंडल हो गया, मैं कैच में फिर से लिखूंगा ऐसा स्टेटमेंट, तो मैं तो यही कहूंगा भैया कि अगर ऐसा करोगे तो आपको कंपनी से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा और कुछ ज्यादा नहीं किया जाएगा, है ना, कि ट्राई में एक्सेप्शन लाना ही था, कैच में फिर से, अरे ऐसा स्टेटमेंट लिखो ही नहीं ना कि जिसमें फर्दर एक्सेप्शन आ जाए, एक बार एक्सेप्शन आया फिर, लेकिन अगर ला भी दिए तो कोई बात नहीं, फिर ट्राई कैच लगाओ, कैच में भी ट्राई कैच लगाओ, है ना, ट्राई में ट्राई कैच लगाओ, मतलब ट्राई कैच कहीं पे भी हो सकता है, बार बार नेस्टिंग हो सकती है जो आगे हम पढ़ेंगे, है ना, लेकिन इन जनरल यही होता है, एक्सेप्शन आया, मैचिंग क्लास देखी गई, क्लास को लोड करा गया, ऑब्जेक्ट बनाया गया, फेंक दिया गया, करस्पॉन्डिंग कैच मिला, हैंडल हो गया, तो बस हम एक्सेप्शन को क्या करते हैं, हैंडल नहीं करते हैं, बस पकड़ ले रहे हैं, एक बार एक्सेप्शन को कैच कर ले रहे हैं, कैच कर लिया सक्सेसफुली काम खत्म। कोई जरूरी है कि यहां पे ये ई को प्रिंट करा जाए, ये ई में वो एक्सेप्शन का टाइप प्रिंट करके दिखा देता है, अगर आप देखो तो, है ना, इसका मतलब इन्होंने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके रखा हुआ है, इसकी वजह से वो
जो टाइप है वो प्रिंट करके दिखा देता है। ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी है, रेफरेंस आईडी नहीं दिखा रहा है, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिखा रहा है डिवाइड बाय जीरो, क्योंकि उन्होंने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करा है। आपने कहा मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा कि भाई तू तो बहुत बेवकूफ है, ऐसा क्यों कर रहा है, डिवाइड बाय जीरो क्यों कर रहा है ना, डिवाइड बाय जीरो इज पुअर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया मान लो कुछ भी। ठीक है, तो अब जो होगा हमारे केस में यही मैसेज देगा, क्योंकि यहां पे आपने कहा सर जब जावा ने इतना सब कुछ करा तो ट्राई कैच हैंडल खुद ही क्यों नहीं कर दिया है, जब जब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट भी उसी को बनाना है, पकड़ना भी उसी को है, ऑब्जेक्ट बनाना भी है, थ्रो भी उसी करना है, बस कैच लगा के हम अपना कैच भी लगा लेते, सब काम खुद कर लेते, क्यों इतना हमसे मेहनत करवाते हैं। तो ये कैच इसलिए दिया गया ताकि यार जब एक्सेप्शन आए उस एक्सेप्शन को टाइप को चेक करके अपने हिसाब से अपने यूजर को, डेवलपर आप हो, अपने यूजर को जिस हिसाब से मैसेज दिखाना है दिखा सको। कभी इंटरनेट चीज नहीं चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन लूज है, हमारी एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसमें चलाना है, इंटरनेट चलेगा तभी चलेगा, तो तुरंत ट्राई कैच में लगा दो, कैच के अंदर डाल दो हैंडल, ओके तो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, है ना, तो वो वही चेक करेगा। तो इस तरह से हम मैसेजेस दे सकते हैं, तो रन टाइम पे किसी यूजर को अपने अकॉर्डिंगली किसी एक्सेप्शन के आने से मैसेज देने के लिए ये कैच बनाया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। तो ये जो मैंने ट्राई कैच बताया और ये जितना भी कंसेप्ट बताया केवल इसी के बारे में, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, पूछिए, केवल इसी के बारे में पूछना जितना पढ़ाया है, आगे पीछे नहीं। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको पता नहीं हो तो नहीं, ऐसा पता इस वाले ब्लॉक में ऐसा अथक पता करना पड़ेगा आपको, फिर डेवलपर आप हो, कोड आप लिख रहे हो, और जनरली ये सब प्रॉब्लम जो आते हैं है ना, वो जब आप यूजर से इनपुट वगैरह लेते हो उसी केस में आते हैं। तो अब जैसे मुझे लग रहा है तो मैं पूरा स्टेटमेंट ट्राई कैश में डाल दूंगा, और सर अगर पूरा स्टेटमेंट ट्राई कैश में हम डालते हैं जो एरर जिसमें नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम होती है कोड में? यस, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मतलब जैसे मेरे ट्राई में मैं यहाँ ट्राई यहाँ ना लगा के, मान लो ट्राई यहाँ ना लगा के मैं ट्राई जो है पूरे में डाल दूँ, है ना, या ऐसे समझ लो कि मेरे ट्राई में मान लो 20 लाइन लिखी गई है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और मुझे इस लाली लाइन पे प्रॉब्लम आ गई, तो अगर मेरे ट्राई में 1,01,00,000 लाइन है और पहली लाइन में एक्सेप्शन आ गई तो कर्सर सीधे चला जाएगा कैच में और जो बाकी के लाइन है वो हो जाएंगे वेस्टेज, बेकार, रद्दी, कूड़ा, करकट, वो नॉट रीचेबल है एक तरह से, वो कभी नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि ट्राई से सीधे कर्सर जाता है कैच में, सीधे कर्सर जाता है कैच में, कैच का सारा लाइन चलेगा, देन नॉर्मल फ्लो मेंटेन हो जाएगा, तो सारा लाइन नहीं लिखना चाहिए। नहीं, ये चारों जो फॉर्मूले हैं आर वाले, अगर हम सीधे ट्राई स्टार्टिंग में और कैच लास्ट में डाल दें सारे इसी में, हमको पता ही नहीं कि किस वाले ब्लॉक में एरर आ सकती है, तो डाल दो, मैंने आपको बता दिया सारा कहानी, मैंने सारा कहानी आपको बता दिया, डालने के लिए आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उस कंडीशन में जिस ब्लॉक में एरर है उसको ठीक करके बाकी के ब्लॉक चलाएगा वो? देखो भाई मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने आपको एक बात बताई, अभी समझ में आया क्या मैंने आपको बात बताई? मैंने आपको बात बताई कि अगर मेरे ट्राई में 100 लाइन है और ट्राई में जिस भी लाइन पे एक्सेप्शन आएगी ट्राई के नीचे वाले कोड नहीं चलने वाले हैं, ठीक है, ये मैंने बात बता दी, बाकी आप कुछ भी करो, आप स्वतंत्र हो, समझे या नहीं समझे? सर एक एक मिनट पहले सनी को खत्म हो जाने दो सर, लेकिन लेकिन अभी जब आप ये वाला जब एग्जांपल बता रहे हैं तो आपने सिर्फ आई जो जो आर की जो वैल्यू आई आई अपॉन जे वाली इसमें बस एरर आ रही है, बाकी बाकी हमारे फॉर्मूले चल जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमें पता नहीं कि किस वाले ब्लॉक में एरर आ सकती है, हम ट्राई सबसे स्टार्टिंग में लिख दे और कैच सबसे लास्ट में लिख दे, तो लिख दो, तो वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा तो वो खुद लगाता है ना जेबीएम। ना ना ना, एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, कंफ्यूजन न बढ़ाओ, तो सिर्फ बस इनको जो पूछ रहे हैं पूछने दो, इनका इनका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने दो, ये मेरे से पूछ रहे हैं है ना, तो मुझे बता लेने दो, लगा लो, लो ये लगा लो भाई, ट्राई लगा लिया, कैश लगा लिया, क्या दिक्कत है,
दिक्कत कोई बात की नहीं है, आप इच्छा बताइए, मैं आपकी इच्छा पूरा करता हूँ। ये देखिए, ये लगा लिया हमने ट्राई, बस ये है कि ये इसको मुझे ट्राई में नहीं लिखने देना दे रहा है, क्योंकि ये जो है ना वेरिएबल लोकल बन जा रहा है ट्राई के अंदर का। ये यहाँ से लगा दिया। और बताइए, और भी नीचे लगाना है तो इसको और भी हटाइए, ये भी हटा दीजिए, यहाँ पे करिए, और ये ट्राई यहाँ हटा के मैंने सारा ट्राई में डाल दिया। ये लीजिए, यहाँ पे ट्राई लगा दिया। ठीक, यही चाह रहे हो ना? हाँ, अगर ऐसा हम करते हैं तो, अगर हमें पता ना हो कि इस ब्लॉक में एरर आ सकती है, तो तो कर दो, कोई मना नहीं कर रहा है, कर दो। सर इसका आउटपुट क्या आएगा फिर? आउटपुट यही आएगा कि जहां पे एक्सेप्शन आएगी वहीं से सीधे कर्सर चला जाएगा कैच में, और कैच के बाद के जो रेस्ट ऑफ कोड है वो चलेंगे। मतलब अगर मान लो कि यहाँ एक्सेप्शन आ गई आपकी, तो ये दोनों लाइन नहीं चलेंगे, ये नॉट रीचेबल हो जाएंगे और सीधे कैच में चला जाएगा वो। अच्छा, इसमें आगे की लाइन नहीं चलेगी जहां पे एरर आ जाएगी? जैसे एक्सेप्शन आ जाएगी उसके आगे की लाइन नहीं चलेगी, सीधे कैच में चला जाएगा वो। यही तो इसकी गलती है, इसीलिए तो ट्राई को सोच समझ के लगाना है ना हमें। सारी स्टेटमेंट को ट्राई में नहीं डालना है, जहाँ एक्सेप्शन नहीं आने के चांसेस वहाँ नहीं डालना है, जहाँ आने के चांस है वहाँ डालना है। और आपको लग रहा है वहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, तो फिर ठीक है, एक काम करो, ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच खूब ज़्यादा और लगा लो, मल्टीपल ट्राई कैच लगा लो, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, हम ज्यादा लगा भी सकते हैं अगर जिसमें नहीं भी आने के चांसेस हैं तो? हाँ, लगा दो, हर स्टेटमेंट को अलग अलग ट्राई कैच अलग अलग ट्राई कैच में दे दो खूब। अच्छा, बताओ भाई मनोज, आपका क्या है क्वेरी? पर ये जो कैच के आगे एक्सेप्शन लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर आपने, तो इसका मतलब पर्पस आपने ये बताया ना, इससे मतलब कोई भी दिक्कत आ गई तो इससे सॉल्व हो जाएगी? मतलब ये उस टाइप का है, जैसे ये एक्सेप्शन है, ये क्लास का नाम है, ये एक्सेप्शन क्लास सारे क्लासेस का पेरेंट क्लास है, तो ये हर टाइप की एक्सेप्शन के वेरिएबल को अपने अंदर रिसीव कर सकता है। जैसे सपोज करो मनोज, मैंने यहाँ पे लिख दिया ईएमपी, ठीक है, तो इसमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट आ सकता है? ईएमपी टाइप का। अगर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, तो इसका मतलब इसमें स्टूडेंट टाइप का ही ऑब्जेक्ट आ सकता है, स्टूडेंट का आ सकता है और उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आ सकता है इसके अंदर। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्प्लॉई, या मैंने सॉरी मैंने लिख दिया एक्सेप्शन, तो इसका एक्सेप्शन मतलब ये हो गया कि इसमें इसमें एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करने वाली सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ सकते हैं, किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को वो हैंडल कर सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, अपकास्टिंग हो रही है। अभी ऑब्जेक्ट आएगा, अब देखो इसको चलाते हैं जरा, देखो रन करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पे पहला नंबर देते हैं 12, दूसरा देते हैं 0, तो अब देखो क्या हुआ है ना, सम आया, डिवाइड में प्रॉब्लम आ गई, और डिवाइड में प्रॉब्लम आने से तो जो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वो चला भी नहीं, सीधे चला गया कैच के अंदर, और कैच के बाद जो रेस्ट ऑफ कोड है वो चला, वो राइट, ये दोनों लाइन नॉट रीचेबल हो गए, तो हैंडल हो गया। समझ आया मनोज? ठीक। सर एक चीज और पूछनी है, छोटा सा ही है। अरे मैं ये मना करता जो हूँ। सर जी, ये जो आया ना अभी, जो हैंडल एक्सेप्शन आ जाता है इसमें शो कर देता है, मतलब ये दिक्कत है, जैसे पहली लाइन का आप बता रहे हो, तो उस पहली लाइन को ठीक हमें करना, तो वो करके देता है जब भी हम। नहीं, जो गलत है वो गलत है। ये कौन अच्छा, सा बस दिक्कत? वो शो करेगा ना, उसको ठीक हमें करना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो शो करेगा, बस जो गलत है वो गलत है। कौन सी पिक्चर का ये डायलॉग है? नाना पाटेकर, सागिर्द। जो गलत है वो गलत है, ठीक है ना? तो ठीक सही कैसे करके दे देगा? अगर ऐसे सही करने लगे तो फिर तो मजे ही मजे हैं एकदम। हम तो दुनिया दुनिया तो सब गलतियां करते चले, फिर चलेगी तारा चीज गलत कर देगी, कहा तो सही करके दे ही देगा, क्या मजेदार चीज है एकदम। मे भी ऐसा भी कोई दिन आएगा। तो सर, आप आज हम लोग को ये पढ़ा ही ना पाते, एक्सेप्शन ला ही ना पाते, अगर वो सही कर देता तो। हाँ बिल्कुल,
सर काशी भी कोई सवाल क्वेश्चन पूछ रहा है। काशी भी काशी पूछिए भाई काशी। ये मैसेज कह रहा है, कैन वी कीप अदर स्टेटमेंट इन बिटवीन ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक की तो बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, हाँ ट्राई बट कैच, ट्राई कैच मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से तो बताइए। कैन वी कीप अदर स्टेटमेंट इन बिटवीन ट्राई कैच के बीच में हम कोई और स्टेटमेंट भी दे सकते हैं ट्राई कैच के वो बीच में तो हाँ बस एक ही स्टेटमेंट दे सकते आप। हैं स्पेस। ये वनली वनली स्पेस लगाइए, यही स्टेटमेंट दे सकते हैं स्पेस लगाइए, और कुछ नहीं लगा सकते हैं आप, केवल स्पेस लगाइए। उनको लिख दो कि ओनली स्पेस दे सकते हैं, और कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। ट्राई मस्ट बी फॉलोड बाई आइदर कैच और फाइनली, ये रूल होता है। सर मुझे एक बार थोड़ा सा इसका एक बार वो फ्लो बता दीजिए। आपने जैसे बताया था ना, ट्राई से सीधे एक्सेप्शन पे आता है, एक्सेप्शन से फिर ऑब्जेक्ट वहां जाता मैं बता देता हूँ, एक्सेप्शन जैसे ही ऑकर होता है, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन जिस लाइन पे भी एक्सेप्शन ऑकर होता है, उसकी एक्सेप्शन ऑकर होते ही उसका टाइप चेक होता है कि वो किस टाइप की एक्सेप्शन है। जेवीएम उसका टाइप चेक करके देखता है कि उस टाइप की या उस पर्टिकुलर टाइप को मैच करने वाली कोई हमारे पास एक्सेप्शन क्लास है या नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास है तो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और वो ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्राम में फेंक दिया जाता है, ठीक है। और वो प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट जो फेंका जाता है वो कैच में फेंका जाता है, इसीलिए ट्राई और कैच में इस कुछ स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। तो ट्राई के जस्ट बाद ही कैच चलता है, तो इसलिए वो उन्होंने ऐसा कोडिंग कर रखी है कि उसके जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट में वो कैसे पता लगाते होंगे कि कैसी वो ब्लॉक है, तो उसके जस्ट बाद वाले लाइन पे उठा के जो कैच होता है उसी में फेंकते हैं या वहां से मैचिंग जो कैच। ऑब्जेक्ट आ रहा है हाँ हाँ वो यहाँ कैच वाले एक्सेप्शन ई में आ जाता है। ई नाम के वेरिएबल में आ जाता है, वो रेफरेंस वेरिएबल में। और अच्छा वही फिर यहाँ वेरिएबल का अगर ये वेरिएबल एक्सेप्शन टाइप का ना हो के नल पॉइंटर होता और ऑब्जेक्ट आता अर्थमेटिक का, तो मिसमैचिंग हो जाती, तो यानी कि उसकी हैंडलिंग नहीं हो पाई, वो कैच में नहीं आ पाया। भाई अब किसी का ऑब्जेक्ट किसी में थोड़ी ना रख सकते हैं, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में रख सकते हैं। तो सर इसके लिए तो वही ठीक है कि हमें एक्सेप्शन ही मतलब हमें पता नहीं, अगर नहीं पता चल पाया कि किस टाइप की करेक्ट एरर आने वाली है, एक्सेप्शन आने वाली है, तो हम ये एक्सेप्शन में ही रख देंगे जो आप बता रहे हैं कि पेरेंट है ये। मैं तो यही रखता हूँ, मैं तो यही रखता हूँ, अच्छा हाँ मैं तो यही रखता हूँ। लेकिन 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 एक बड़ा अच्छा चीज़ है कि अगर मान लो कि मेरे प्रोग्राम में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया तो कुछ और मैसेज यूजर को प्रिंट होके आए, और नल पॉइंटर आया तो कुछ और मैसेज प्रिंट होके आए, कुछ और एक्सेप्शन आई तो कुछ और मैसेज प्रिंट होके आए, है ना। तो वो कैसे करोगे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ मतलब उसको पता चलनी चाहिए कि कौन सी एक्सेप्शन है यस एरर। भाई, अगर मान लो कि प्रोग्राम आप इंटरनेट आप मान लो कोई ऐप चला रहे हो और ऐप में प्रॉब्लम आ गई, जीपीएस नॉट इनेबल, तो वो एक्सेप्शन अलग है। अगर इंटरनेट नॉट एक्टिवेटेड, वो एक्सेप्शन अलग है, ठीक है। तो हर इशू पे अलग मैसेज चाहिए ना यूजर को, नहीं जी वो तो यस सर जब भी प्रॉब्लम आए तो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमेशा एक ही एरर दिखाते रहे, नहीं इंटरनेट कनेक्शन लो है या कुछ ऐसे, तो इल्ली मतलब सही नहीं है ना। नहीं, लेकिन हम एसओपी में तो वो मैसेज डाल रहे हैं ना जो उसको शो होगा, हम वो मैसेज डाल देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने ये यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाय जीरो, ठीक है, ये अर्थमेटिकल प्रॉब्लम के लिए हो गया। अब तुम अगर हाँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए भी यहाँ पे लिख दोगे यही, या नीचे ये भी लिख दोगे क्या नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो दोनों नहीं आने लगेगा, एक बार में कैसे एक चला पाओगे। नहीं, मैं एसओपी में एक ही एरर लिख देंगे ना कि आपका कुछ इश्यू है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जीरो कुछ भी हम। चलो मान लो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आ गई और काम हो गया हमारा, ठीक ठीक है। और सर मान लो हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया तो डिवाइड बाय जीरो मैसेज आ गया तो सही है, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी डिवाइड बाय जीरो लिखा आ रहा है तो सही है। एक बार नहीं, यहाँ मतलब पे एक मिनट यूजर एक मिनट को, एक मिनट यूजर को एक्सेप्शन जो है वो शो होता है, जो हमने एसओपी में मैसेज लिखा है वो शो होता है। आपको क्या शो हो रहा है, आप देखो यूजर का मतलब क्या है, आप ही तो आपको देखो कैसे हो रहा है, आपको क्या शो हो रहा अभी है, तो दोनों ही शो होता है। आप जरा देखो क्या शो हो रहा है, हाँ डिवाइडेड बाय जीरो शो हो रहा है। हो रहा है ना। हाँ तब
तो हम यहाँ पे तो कोई ऐसे कोई भी यूनिक मैसेज लिख सकते हैं ना जो सभी सभी एक्सेप्शन नहीं के जी, लिए मैं यूज होता है। स्पेसिफिक चाहता हूँ, और बताओ। यूनिक लिखने से थोड़ी ना काम हो जाता है कि हर जगह काम, मतलब एक ही चीज लिख दिया। हाँ हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लिख दो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं समस्या है, ये तो यूनिक मैसेज हो सकता है। करना चाहे तो मतलब कर सकते हैं ना। कह तो रहा हूँ ये मैसेज लिख दे तब तो सही है, अरे समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर हम समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देंगे सही है, लेकिन विच इज नॉट लाइक रीडिएबल, सो मेक द मैसेज टू यूजर रीडिएबल। सो दैट्स वाई वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मल्टीपल कैच ब्लॉक विद अ सिंगल ट्राई। मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाइए और स्पेसिफिक टाइप का देना चाहिए, स्पेसिफिक टाइप का देना चाहिए। एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक पॉसिबल है। वी कैन यूजर को तो वो एक्सेप्शन दिखती नहीं है। वी कैन हैव, क्यों नहीं दिखेगी? फिर वही बात, तुम यार सारी बात है, ये सॉफ्टवेयर जब यूजर चलाएगा तो ये यूजर को नहीं दिखेगा तो किसको दिखेगा? ये सॉफ्टवेयर मान लो सेटअप बना के दे दूंगा तो ये यूजर ही तो चलाएगा, वही तो फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, वही तो लास्ट नंबर एंटर करेगा, तो सब उसी को सामने तो दिखना है, और किसको उसको तो एसओपी वाली मैसेज दिख रही है ना सर बस। अरे यार तो एसओपी की तो मैसेज की बात हो रही है, और कौन से मैसेज की बात हो रही है? एसओपी के तो मैसेज की बात हो रही है भाई, एसओपी के ही मैसेज की बात हो रही है। आज एसओपी में लिख रहे हो, कल को वेबसाइट बनाओगे तो वेब के लिए ये मैसेज दे देना, ये कैच में वेब के लिए ले देना, ऐप बनाओगे तो टोस्ट में दे देना, ऐप बनाओगे तो टोस्ट होता है ना, टोस्ट में दे देना, कैच के अंदर टोस्ट लगा देना कैच में, तो मैसेज तो यही होगा ना। तो मैं एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा दूंगा, इसको लगाने से क्या फायदा होगा कि अगर यूजर को अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी तो उसके लिए अलग मैसेज, नल पॉइंटर आएगी तो अलग मैसेज, नंबर फॉर्मेट आएगा तो अलग मैसेज, कुछ और आएगा तो कुछ और मैसेज, ऐसे लगाते चले जाओ। ठीक है, नल पॉइंटर के लिए नॉट डिवाइड बाय जीरो ना लिखे, मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट हैव नल रेफरेंस। ठीक है, और यहां पे मैंने नंबर फॉर्मेट लगा दिया, या क्या लिख दूं, यहां पे मैं लिख देता हूं इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो आ रहा था, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ई लिख दो, ए लिख दो, प्लीज एंटर ओनली डिजिट, ऐसे। एक मिनट रुको ना, सुन पा रहे हैं? हाँ काफी सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए इतने कैच ब्लॉक लगा दिए अलग अलग, ठीक है, तो हाँ बताइए काफी, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? नहीं सर, मैं ऐसे चेक कर रहा था। बढ़िया है एकदम, आपको एक ट्राई ट्राई की जस्ट बात कैच ही लिख सकते हैं, बीच में स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। ओके सर, और सर ट्राई कैच कैसे काम करता है एक बार बोल सकते हो कैसे? ट्राई कैच कैसे काम करता है? बस ऐसे काम करता है कि ट्राई के अंदर जैसे ही एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन आते ही एक्सेप्शन को की टाइप को चेक करा जाता है, जेवीएम खुद ही टाइप को चेक करता है, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है उसकी टाइप, जैसे मान लो अर्थमेटिक आया तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, नल पॉइंटर आएगा तो नल पॉइंटर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बना के प्रोग्राम में फेंकेगा और वो मैचिंग कैच में फेंकेगा। मान लो कि अर्थमेटिक आएगा तो यहां हो जाएगा रिसीव, नल पॉइंटर आएगा तो यहां रिसीव हो जाएगा, नंबर फॉर्मेट आएगा तो यहां रिसीव हो जाएगा, तो मैचिंग कैच चेक करेगा। एक मिनट जरा, एक मिनट, वो करस्पॉन्डिंग कैच में जाके बस उस कैच के अंदर वो वैल्यू रिसीव करके और ये मैसेज यूजर को दे देगा, बस काम हो जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये प्रोग्राम चलाया, अब देखिए मैंने पहला नंबर ये दिया, दूसरा जीरो दे दिया, तो ये प्रॉब्लम कौन सी आई? अर्थमेटिक,
तो ये डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आ गया, दोबारा रन किया। अब मैंने रन किया तो प्रॉब्लम कौन सा और दूसरा ला देता हूँ, स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो कौन सा प्रॉब्लम आया, प्लीज इंटर ओनली डिजिट। समझ में आ रहा है? तो आप क्या देख पा रहे हो कि एक्सेप्शन जो आ रहा है उसके कैश में जाके रिसीव हो गया, नल पॉइंटर आएगा तो ये आएगा। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं पूरे रात भर जाग के दिन रात एक करके और मेरे इस सारे स्टेटमेंट के लिए मैं टाइप चेक कर दूं, इसका मतलब ये हो गया मैं टाइप चेक करूं कि यार ये किस टाइप की एक्सेप्शन है, अगर ये एक्सेप्शन है तो ये हो जाए, ये एक्सेप्शन है तो ये हो जाए, ये एक्सेप्शन है तो ये हो जाए, और फिर मैं कैच लगाऊं। रात भर में जग के 50 तरह के ट्राई कैच 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 लगाते चला गया, और जब मैं प्रोग्राम रन करा तो अचानक मेरे किसी और टाइप की एक्सेप्शन आ गई, तो फिर क्या करोगे? इसलिए एक ट्राई के साथ जब मल्टीपल कैच लगाते हैं तो एक कैच ब्लॉक लास्ट में ऐसा लगा देते हैं जो पिताजी वाला हो, ये पिताजी, ये अब ये सबको हैंडल कर लेंगे। मतलब पहले कोशिश करो और लास्ट में ये पिताजी को हैंडल कर लो, पेरेंट एक्सेप्शन, ठीक है? एल्सिफ एल्सिफ एल्स हो गया ये तो, बिल्कुल एल्सिफ 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 एल्स, बिल्कुल। मैं तो बाप हूं, मैं सारे एक्सेप्शन सर ऑर्डर क्या होगा इसका हैंडल कर सकता हूं। इसका ऑर्डर होगा, आप सोचो रियल वर्ल्ड में क्या होता है। रियल वर्ल्ड में तो ऐसे होता है, अगर एक घर में एक रोटी है, पापा भी है, मम्मी भी है, चिंटू भी है, पिंटू भी है ना, और मतलब पिताजी भी हैं, पिताजी का बड़ा पेट है मेरे तरह, ठीक है? तो अगर मान लो कि एक ही घर में रोटी बनी हुई है इस लॉकडाउन में, ठीक है, तो पिताजी का तो पेट बड़ा है, तो वो तो पूरा रोटी अगर उनको मिलेगा तो बचेगा थोड़ी ना, उनके लिए कम भी पड़ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मतलब ये पिताजी हैं, अगर इनको पहले लिख दोगे तो ये तो सबको खा जाएंगे, सारे एक्सेप्शन को खा जाएंगे, तो फिर बाकी लोग ये रोना बैठे रोने लगेंगे, ये है ना, मतलब इनको लिए तो कुछ। तो इसीलिए कायदा कहता है, इंडियन कल्चर कहता है कि भैया पहले बच्चे को खिलाओ, ठीक है ना, और फिर जो बचे खुचे पिताजी फिर खाएंगे, अगर बचता है तो ठीक आधी रोटी, है ना, बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो फिर वैसे भूखे रहेंगे, क्या दिक्कत है, पिताजी रख सकते हैं, बच्चे नहीं रख सकते, है ना। तो द हायरार्की मस्ट बी चाइल्ड टू पेरेंट, मस्ट बी चाइल्ड टू पेरेंट, फर्स्टली वी हैव टू राइट ऑल द चाइल्ड एक्सेप्शंस, देन वी हैव टू राइट द पेरेंट एक्सेप्शन, ठीक। अब बताइए सनी, एनी क्वेरी? समझ में आया? एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच, क्वेश्चन इंटरव्यू पूछाता है, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हैं? हाँ, क्यों लगा सकते हैं? सर अगर प्रोग्राम में अलग अलग एक्सेप्शन के आने से अलग अलग मैसेजेस यूजर को हम देना चाहते हैं तो हम एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाते हैं, क्योंकि एक कैच में अगर लिख दोगे तो वो तो मैसेज सबके लिए कॉमन हो जाएगा। कॉमन मैसेज ऐसे लिख नहीं सकते हैं जैसे आप बोल रहे हो, वो मैसेज थोड़ा इतना वैलिड नहीं होगा, बट एक स्पेसिफिक मैसेज हर चीज के लिए अलग अलग मैसेज देना है, ऐसे कंडीशन लगा लो। या तो एक जुगाड़ और है, एक ही कैच में कर सकते हो, एक कैच में हैंडल करके और वो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर लगा लो जो मैंने आपको बताया था, और उसे चेक कर लो कि वो क्या इसका इंस्टेंस है या नहीं। अगर वो उसका इंस्टेंस है, इट इज इंस्टेंस ऑफ दिस, इट इज इंस्टेंस ऑफ दिस, तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो कर सकते हो आप, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कौन है भाई? सर इसमें मतलब, हेलो, हाँ बोलो बोलो सनी सर, मतलब इसमें जो हमने इतने सारे कैच डाले हैं तो जिस कैच में वो एरर आएगी तो वो वाला मैसेज शो हो जाएगा बस, या लास्ट वाला भी कंपलसरी है कि वो शो होगा? हो गई, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार में एक ही कैच, आप देखो बढ़िया चीज है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, एक बार में एक ट्राई में एक ही एक्सेप्शन आएगी तो कैच कितना चलेगा? एक ही चलेगा ना, सारे तो कैच नहीं चल जाएंगे ना। हाँ तो वो खुद ही इसको पॉइंट आउट कर लेगा ना कि कौन सा वाला कैच चलेगा, बस अपने आप खुद ही पॉइंट आउट करेगा, खुद ही देखेगा, अच्छा इसकी मैचिंग है, मैचिंग मैचिंग मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो पिताजी तो हैं। अगर इसको ऊपर लगा दोगे तब दिक्कत हो जाएगी, वो तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। अच्छा सर एक चीज और है, अभी जैसे ऊपर आर वाले दो तीन ब्लॉक हमने जो लिखे, फंक्शन लिखे सारे, तो एक कैच में जैसे एक फंक्शन में एक कैच चल गया, दूसरे में कोई और एरर आ गई तो दूसरा कैच चलेगा?
कैच में और एक्सेप्शन आ गई, दूसरे कैच में और आ गई, मतलब जैसे आर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई जे है ना, फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है आपका, सेकंड वाला ब्लॉक, ठीक है, इसमें अर्थमेटिक अर्थमेटिक वाला एक्सेप्शन आ रही है, तो इसके लिए हमारा एक ब्लॉक चल गया अर्थमेटिक वाला, एक्सेप्शन चल गई, हाँ चल गया। हाँ, अब सपोज हमारा फिर से कोई एक और कोई दूसरा फंक्शन है, उसमें भी ये एरर आ रही है, तो फिर से यही कैच चलेगा या एक बार एक कैच चल जाता है तो दोबारा नहीं चलता? जब प्रोग्राम में दूसरा कोई ब्लॉक है ही नहीं, दूसरा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, दूसरा कोई कोड लिखा ही नहीं है, तो उस कोड को क्यों आप यहाँ प्रेडिक्ट कर रहे हो? अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन है तो यू हैव टू ट्राई इट, यू शुड ट्राई इट बाई ओन। जब वो चीज लिखा ही नहीं है यहाँ पे कोड में, तो उस कोड की क्यों बात कर रहे हो? होता तो क्या होता, क्या नहीं होता तो उस हिसाब से कोड होता, वहां पे तो कोई फंक्शन है ही नहीं। अब मैं आप बोलो या तो फंक्शन बनाऊं या कॉल करूं, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और दूसरा चीज, जब आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को यू हैव टू ट्राई ओन कि भाई ऐसा करें तो क्या होगा, वैसा करें तो क्या होगा। मैंने तो समझा दिया इसमें क्वेश्चन है तो बताओ, और ये भी बता दिया कि जब ट्राई में एक्सेप्शन आती है तो सीधे कैच में चला जाता है। अब तुम वहां फंक्शन कॉल करो चाहे जो मर्जी वो करो, वो कैच में आ गया तो कैच के बाद अब किसी भी कैच को ना चलाते हुए लास्ट में जो नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन करने वाला है। तो फंक्शन कॉलिंग हो या कुछ भी दुनिया जहान की चीज हो, वो यहाँ क्यों चलने वाला है? मैंने एक बार ये तो बता दिया आपको कि ट्राई में एक्सेप्शन आई तो सीधे कैच में चला गया ना, अब तो नहीं आने वाला घूम के ट्राई। एक सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे एक बार एक कैच चल गया तो दोबारा चलेगा वही कैच? भाई क्यों चलेगा, बता तो दिया मैंने, ट्राई एक कैच के अंदर, एक ट्राई के अंदर वही कैच। अब वही कैच कहाँ कहाँ दे रखा है वो तो मैटर करता है ना, वही कैच तो यहाँ एक ट्राई के साथ तो एक ही कैच हो सकता है, एक कैच हो सकता है, एक तो मल्टीपल कैच हो सकता है। यहाँ कहाँ बताओ क्या कोड लिखूं, आप बताओ मैं कौन सा कोड लिखूं? कोड लिखूं तब तो मैं समझा सकता हूँ। कैच अगर किसी चीज के साथ मैप्ड होगा, कैच अकेले कैच की कोई अस्तित्व तो नहीं है, कैच का अकेले कोई वैल्यू नहीं है, अकेले कैच का कोई वैल्यू नहीं है, कैच तो किसी ट्राई के साथ होगा ना। यार मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लेक्स बना के पूछने का कोई मतलब नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स बनाओगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, लाओ करके प्रोग्राम लेके आओ मुझे दिखाओ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो मैं उसका आंसर दूंगा। मैंने तो सारे रूल रेगुलेशन बताए आपको। अब ये कैच किसी ट्राई से मैप्ड होगा तभी तो ट्राई कैच चलेगा, बताओ कि एक और ट्राई लगाऊं मैं? लेकिन इस ट्राई के साथ इस ट्राई दूसरा नहीं लिख सकता हूं मैं, यहाँ एक ट्राई के साथ एक कैच लिख सकता हूँ, फिर दोबारा ट्राई नहीं लिख सकता ना। हाँ, ट्राई कैच अलग हो गया, फिर ट्राई कैच अलग होगा, फिर ट्राई वो मल्टीपल ट्राई कैच है। अभी मैंने एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगाना सिखाया, तो जितना कंसेप्ट समझाया उसको खूब अच्छे से समझना चाहिए, उसमें क्वेश्चन पूछो। और ऑपरेशन करना है तो अपना खुद करो जितना मर्जी उतना, जो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एरर होगा, एरर होगा तो फिर दिक्कत होगी, मेरे से पूछो फिर कि ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये चीजें होती हैं। और बताइए सर, ये एक्सेप्शन की जगह पर थ्रोएबल लगा सकते हैं? एक्सेप्शन की जगह पर थ्रोएबल लगा सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं लगा सकते हैं, लिख दीजिए थ्रोएबल। लेकिन थ्रोएबल में जो थ्रोएबल में सपोज करो कोई मतलब जो मेथड जो मतलब कह सकते हो मेथड आपके उसमें होगा एक्सेप्शन में होगा, सपोज ऐसा होता है ना कि पेरेंट के अंदर पेरेंट का मेथड तो चाइल्ड में होता है, चाइल्ड का मेथड पेरेंट में नहीं होता है, तो मे बी थ्रोएबल में। अब मान लो ई के ऊपर आप कोई मेथड चला रहे हो, वो मेथड मिल ही ना पाए, ई डॉट मान लो मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड चला रहा हूँ, चलो मिल रहा है तो ठीक है, अब कोई ऐसा मेथड कॉल कर दोगे जो नहीं मिल पाएगा तब दिक्कत आएगी। मतलब वो एक्सेप्शन के मेथड आप कॉल करने की कोशिश करो, क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख दो थोड़ा एक्सेप्शन के बाद तो थ्रोएबल ही इनबैलेंस है सर। हाँ लिख दो, लिख तो दिया, आप बताओ, लिख दिया भाई, चल भी गया। और बताइए सर, मुझे दिख नहीं रहा बस मैं ऐसे ही। अच्छा लिख दिया, दिख क्यों नहीं रहा, दिखो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकता है तो क्यों हो सकता है, क्या रीजन है, समझ रहे हो? अगर मान लो एक ट्राई हमने लगाया, ट्राई के बाद कैच लगा दिया, अब एक ट्राई के साथ एक कैच लगा दिया तो एक से ज्यादा कैच लगा सकते हैं कि नहीं, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। सर सिर्फ ट्राई लगा सकते हैं कि नहीं? ओनली ट्राई, ट्राई इज नॉट वैलिड, ट्राई कैन नॉट, वी कैन नॉट राइट ओनली ट्राई, ट्राई के साथ कैच होना जरूरी है।
या तो कैच होना जरूरी है या तो फाइनली होना जरूरी है, दोनों में से एक होना जरूरी है। ट्राई बिना कैच के हो सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, यस फाइनली के साथ, ट्राई बिना कैच के हो सकता है फाइनली के साथ। ठीक है, और बताइए सर, ऐसा कोई मतलब नया इन्वेंशन हुआ है कि ओनली ट्राई लगा सकते हैं? ऐसा कोई कहीं देखा है क्या आपने? यस सर, ट्राई विथ रिसोर्सेज, ट्राई विथ रिसोर्सेज, ट्राई विथ रिसोर्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेरे ख्याल से वहां पे भी आपको कैच लगाना पड़ता है शायद। नहीं सर, ट्राई विथ रिसोर्स वाला है चीज। यस सर, बता दूंगा आगे ट्राई विथ रिसोर्सेज क्या है। आप अपने उस चीज को, अलग ही चीज है, लेकिन उस चीज को लेके यहाँ कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे तो ऐसे ही लिखना है। अच्छा जी, तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच हो सकता है, ट्राई में एक्सेप्शन आते ही कैच में चला जाता है और सारे काम हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, अब हम मल्टीपल ट्राई कैच यूज करें, नेक्स्ट ट्राई कैच यूज करें, नेक्स्ट ट्राई कैच भी हो सकता है, मतलब ट्राई के अंदर ट्राई कैच भी हो सकता है, नेक्स्ट ट्राई जिसको बोलते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए इस प्रोग्राम में यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, डिवाइड बाय जीरो, अर्थ मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ गई, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम आने से कर्सर कहाँ चला जाएगा? कैच में। भाई अगर डिवाइड मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम आ गई तो कर्सर कैच में चला जाएगा ना, बोलिए। यस सर। तो अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि यार अगर इसमें एक्सेप्शन आए तब भी हैंडल हो जाए, इसमें एक्सेप्शन आए तब भी हैंडल हो जाए, तो हर स्टेटमेंट में जहां जहां एक्सेप्शन आए वहां वहां हैंडल हो जाए, मतलब एक ट्राई के अंदर एक बार में एक ही एक्सेप्शन आ सकती है, और मैं चाहता हूं कि अगर सारे एक्सेप्शन आए तब भी हैंडल हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं सर। भाई अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या सारे कैच एक साथ चल जाते हैं क्या? आप बताइए, क्या सारे कैच एक बार चल जाते हैं? नो सर, चलता एक बार में एक ही है ना। यस सर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, या मान लो कि मैंने फिर से प्रोग्राम चलाया, और फिर से जब मैंने प्रोग्राम चलाया तो मैंने पहला नंबर दे दिया स्ट्रिंग, तो ये जो नेक्स्ट इंट मेथड है यहीं पे एक्सेप्शन आ गई, कौन से लाइन पे? लाइन नंबर 16 पे आ गई, जो कि यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है, 16 पे आ गई, 16 लाइन नंबर पे एक्सेप्शन आ गई, 16 पे एक्सेप्शन आ गई, जिसके आने से वो इस कैच में पहुंच गया, मतलब अपने करेस्पॉन्डिंग कैच में पहुंच गया। ठीक है, तो अगर पहली लाइन में एक्सेप्शन आ गई तो डिवाइड वाला चीज तो चेक ही नहीं हुआ, कोई और तो चेक ही नहीं हुआ, मतलब एक ट्राई के अंदर 100 लॉजिक थे, पहले लॉजिक में ही प्रॉब्लम आ गई तो सीधे वो चला गया कैच में, काम खत्म, बाकी सारे लाइन बेकार हैं। और मैं चाहता हूं वो 100 लाइन अलग अलग कहीं छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के रख दिया जाए, अलग अलग ट्राई कैच के अंदर, तो भी हो सकता है, उसको बोलते हैं मल्टीपल ट्राई कैच। अच्छा, मल्टीपल ट्राई कैच बताने से पहले एक चीज और बताता हूं यार, रुक जाओ एक मिनट, एक चीज और मुझे बताना था, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया। यहाँ पे आपको ये बताना था, एक ही कैच में हम सारे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, हमें मल्टीपल कैच लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कैच ब्लॉक बना दिया, कौन सा? एक्सेप्शन वाला मैंने कैच ब्लॉक बना दिया, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी चेक कर ली, मैंने यहाँ लॉजिक चेक कर लिया, लिख दिया कि इफ ई इंस्टेंस ऑफ अर्थमेटिक अगर हो, मतलब अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन का इंस्टेंस हो, है ना, तो मतलब कुछ और मैसेज आ जाए, एल्स इफ ई इंस्टेंस ऑफ अगर नल पॉइंटर हो,
एल्सिफ लिखना चाहिए ना, ये गलती कर दिया मैंने, एल्सिफ ई इंस्टेंस ऑफ आई एन एस, इंस्टेंस ऑफ नल पॉइंटर हो तो यहां पे अलग मैसेज आ जाए, और अगर ई इंस्टेंस ऑफ कुछ और हो तो ऐसे कुछ और आ जाए, और नहीं तो एल्स कुछ और आ जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मैं एक ही कैच ब्लॉक में, मैंने एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच क्यों लगाया था मनोज? मैंने एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच क्यों लगाया था पता है सनी? यस सर। यस सर। क्यों लगाया था एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच? वो जिस टाइप की भी एरर हो तो उस टाइप के कैच में कैच को मतलब चल जाए, और कैच में चल के उस अलग अलग टाइप की मैसेज प्रिंट करा पाए। हाँ, उससे रिलेटेड। तो मैं एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच नहीं लगाऊंगा, मैं एक ही कैच में सारे एक्सेप्शन को हैंडल करके, मतलब पिताजी वाला लगा दूंगा एक्सेप्शन वाला, और चेक कर लूंगा क्या इंस्टेंस है अर्थमेटिक का, तो ये मैसेज आ जाए, नहीं तो ये मैसेज आ जाए, नहीं तो ये मैसेज आ जाए, ऐसे कर सकता हूँ मैं। हाँ, कंडीशन लगा दी आपने। क्लियर है सर? एक चीज छोटा सा इसमें क्वेश्चन है, ये याद नहीं है, ये न्यू इंस्टेंस ऑफ ये वाला किस काम आता था सर? कंपैरिजन ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू कंपेयर, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये कंपेयर करता है कि जो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है उस टाइप का है या नहीं जो टाइप हम दे रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा ई, ई मतलब यहाँ पे रन टाइम पे वो क्लास आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, मे बी अर्थमेटिक आएगा, मे बी नल पॉइंटर आएगा, मे बी नंबर फॉर्मेट आएगा, तो मैं उसको वहां से इंस्टेंस ऑफ के थ्रू उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि वो अर्थमेटिक है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। इंस्टेंस ऑफ इज अ कंपेरिजन ऑपरेटर जो कि कंपेयर करता है क्या उसका इंस्टेंस है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ऐसे रिटर्न करता है। देखिए जावा 8 से एक और रूल है, जावा 8 में ही है, 7 में था शायद, कि आप अलग अलग एक्सेप्शन को एक ही कैच में और ऑपरेटर के थ्रू, लॉजिकल और ऑपरेटर लगा के रिसीव कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे आप मतलब कैच ये वाला भी ना लगाओ, आपकी इच्छा है, आप ऐसे हैंडल कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा अलग ही टाइप का ऐसे कुछ होता है। देखो आप कैच लगाओ और कैच के बाद यहाँ पे लिख दो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, नहीं तो फिर एक पाइप लगा दो, पाइप का साइन होता है ना, और लॉजिकल और ऑपरेटर कहलाता है वो। कहाँ गया पाइप का सिंबल, बड़ी समस्या है, पाइप नहीं आई दिखेगा भाई, दिख गया। तो नहीं तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है या नल पॉइंटर है या कोई और है, मतलब ये अपने आप चेक कर लेगा करस्पॉन्डिंग टाइप, उस टाइप में एक्सेप्शन में रिसीव होगा, एग्जैक्ट टाइप चेक करने के लिए, एग्जैक्ट उसका टाइप चेक करने के लिए। ये सर लॉजिकल है और थोड़ी ना है, लॉजिकल और ये बिटवाइज है क्या? ये बिटवाइज नहीं है, ये पाइप सिंबल है, ये लॉजिकल और दो बार लगता है क्या? बोलो, यहाँ एंड लॉजिकल तो सर दो बार ही तो लगाते हैं, उसी तो बोलते हैं लॉजिकल एंड। तो ये समझ लो कि पाइप सिंबल ही है, ये चल जाता है, तो ये लॉजिकल और, लेकिन एक ही से चल जाता है, मैंने इसे चलाया हुआ है, ये लीजिए। हाँ, अगर दो लगता है तो दो और में भी लगना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट नंबर हमने दिया, सेकंड नंबर हमने दिया, ठीक है, इसने क्या किया, रन टाइम पे वो खुद ही चेक कर लेगा एक ही कैच के अंदर, और लगा लगा के, पाइप लगा के, जो भी आप इसे बोलिए कि भाई ये अर्थमेटिक है तो यहाँ चला गया, नल पॉइंटर है तो यहाँ चला गया, इनपुट मिसमैच है तो यहाँ चला गया, अपने आप उसके करस्पॉन्डिंग टाइप को चेक करेगा। क्लियर है? ओके। तो एक ट्राई मल्टीपल कैच, एक ही कैच के अंदर एक्सेप्शन हैंड। अब मैं आपको बताता हूं कि मल्टीपल ट्राई कैच कैसे लगाते हैं। मल्टीपल ट्राई कैच यहां पे
सर हाँ सर अभी हमने जब ये वाला लगाया है तो आगे का कोड क्यों नहीं चला सम में? अभी आगे का कोड नहीं चला, कौन सा कोड? आगे के हमारे फंक्शन नहीं चले ना, सम सम के बाद सीधे एक्सेप्शन आ गई, आगे का जो हमारे ब्लॉक थे वो क्यों नहीं चले? अरे भाई यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी से यही तो बात बता ही रहे थे कि डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आने से एक ट्राई में एक्सेप्शन आता है तो सीधे कर्सर कैश में चला जाता है, ये तो तभी से बता रहे हैं। तो ट्राई में तो वही स्टेटमेंट डालना चाहिए ना जहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, सारे स्टेटमेंट डाल के क्या करोगे? अच्छा हमने भी सारे ट्राई में डाल दिए ना। ठीक है तो मल्टीपल ट्राई कैच लगा लोगे आप या मैं लगाऊं? अरे ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच, अलग अलग ट्राई कैच दो। हाँ सब में अलग अलग लगाना पड़ेगा ना, लग जाएगा। तो सारे सारे में अगर लगा दोगे तो सब अपने हिसाब से हैंडल होने लगेंगे, है कि नहीं? लेकिन सर उसमें ये नहीं, उसमें फिर वो पेरेंट वाला ही डालना पड़ेगा, मतलब एक्सेप्शन वाला ही, कौन सी एरर आएगी ये कैसे पता चलेगा? लगाते हैं ना, खुद ही लगाते हैं आपके लिए। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे प्रोग्राम में कोई मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ ARGS और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जीरो पोजीशन की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग एस वेरिएबल में आ जाए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया स्ट्रिंग वेरिएबल में जीरो पोजीशन की वैल्यू आ जाए, ये मेरा पहला प्रॉब्लम है। ठीक, तो मैंने इसको ट्राई और कैच में लिख दिया अलग से, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो जीरो पोजीशन की वैल्यू दोगे ही नहीं, एक्सेप्शन आ जाएगी, और यहाँ एक्सेप्शन आएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ई को। ठीक, फिर मैंने क्या करा, फिर ट्राई कैच लगाया मैंने। लगाना क्या है, यही कॉपी वेस्ट मार दो, फिर कॉपी पेस्ट कर दो, और यहाँ पे मैं मैन्युअली लिख देता हूँ क्या इंट एक्स इजिक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 0। ठीक है, और यहाँ पे हैंडल क्या करूँगा मैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करूँ भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग एस इजिक्वल्स टू नल, जानबूझ के एस इक्वल टू नल, और एस वाई एस ओ में लिख देता हूँ एस डॉट लेंथ। तो ये हो गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और इसको मैं हैंडल कर लेता हूँ, मतलब कैच में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नल पॉइंटर। ठीक, अब मैं इसको चलाता हूँ प्रोग्राम में, आप देख सकते हो कि एक साथ कितने एक्सेप्शन आ गए, तीन तीन एक्सेप्शन आ गए। पहला वाला ट्राई कैच चला, फिर दूसरा वाला अपना ट्राई कैच चला, फिर ट्राई कैच चला, फिर ट्राई कैच चला, फिर नॉर्मल फ्लो चलेगा, रेस्ट कोड एक, यहां पे मैंने लिख दिया रेस्ट कोड, सॉरी रेस्ट कोड। बोलो भाई हो गया कि नहीं हो गया हैंडल? ये मैं कह रहा था मल्टीपल ट्राई कैच आप लगा सकते हो। अरे यस नो सब लोग बोलोगे भाई कहां चले गए हो, यस नो सन्नाटा एकदम छा गया है यार, आपकी स्क्रीन वेटिंग चल रही है ना? ओके देख लीजिए। हाँ यार